लेटस रेक्टम का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 4a होता है। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू आपकी 1/4 है, तो a की जगह पर आप 1/4 रख दीजिए, 4 × 1/4 कैंसिल होकर ये 1 आएगा। तो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 1। अतः नाभिलंब जीवा की लंबाई 1 है। इस तरह से अगर आपका पैराबोला का इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे, तो पहला काम आप उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पर चेंज करते समय ध्यान बस आप इस बात का रखें कि इज इक्वल टू के पहले स्क्वायर जिस पर है उसको रखें और उसके सारे टर्म्स को रखें, बाकी सबको आप उधर भेज दें। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर जिस पर है उसका कोफिशियंट 1 रहना चाहिए और इज इक्वल टू के बाद जो भी वेरिएबल रहेगा उसका कोफिशियंट 1 रहना चाहिए। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।